सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और गाइस, आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही कमाल का टॉपिक लेकर आ गया हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोग जो है कि पेंटियम मॉड्यूल के ऊपर काम करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये होता क्या है और किस तरह से ये वर्क करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूँगा कि ये कौन सा क्या होता है और किस तरह से ये वर्क करता है और इसे कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में दोस्तों। और गाइस, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको परमानेंट सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो पेल्टियर है इसका नाम है थर्मो इलेक्ट्रिक पेल्टियर। और गाइस, ये जो पेल्टियर है उसे यूज़ किया जाता है कोल्ड और हॉट करने के लिए, यानी कि इससे आप कोई भी चीज़ या कोई भी लिक्विड को आप हॉट या कोल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे यूज़ किया जाता है मिनी फ्रिज के अंदर, जो हमारे कार फ्रिज आते हैं और भी जो 12 वोल्ट से चलने वाली जो मिनी फ्रिज आते हैं उसमें इसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये थर्मो इलेक्ट्रिक पर वर्क करता है। इसमें किसी तरह का कोई कंप्रेसर यूज़ नहीं होता, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं होता। बट गाइज, गर्मियों के टाइम में आप कोल्ड वाटर पी सकते हैं, इतना ठंडा तो कर देगा जितना आपका फ्रिज में एक घंटे में हो जाता है। तो गाइज, इसके प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव कंडक्टर का यूज़ किया जाता है, यानी कि प्लस और माइनस इसमें जब हम सप्लाई देते हैं तो इसमें दो साइड होती है, जो उसकी दो पोलैरिटी होती है वो चेंज होती है, यानी कि आपका जो पॉजिटिव पोलैरिटी होगी वो हॉट होगी और जो इसकी नेगेटिव पोलैरिटी होगी वो कोल्ड होगी। तो इस तरह से ये पेल्टियर वर्क करता है और इससे आप कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो गाइस, बेसिकली जो इसमें इसे हम यूज़ करते हैं वो मिनी फ्रिज के अंदर ही यूज़ किया जाता है। और इस तरह से इसके स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, एल्युमिनियम की शीट को ऊपर जहाँ पे हमारा हॉट होता है उस जगह पे हमें बड़ी शीट लगानी होती है और जहाँ पे कोल्ड होता है उस जगह पे छोटी शीट को यूज़ किया जाता है, ताकि और दो फैन का यूज़ भी किया जाता है ताकि जब एयर जब ये हमारा बहुत ज़्यादा हॉट हो जाए तो ये हमारा जो फ़ैन है वो उसको कोल्ड करता रहे, यानी कि जो हीट वाली एरिया है उसको ठंडा करता रहे। और एक छोटा जो फ़ैन यूज़ किया जाता है वो पेल्टियर के जहाँ पे हमारा कोल्ड वाला हिस्सा है, यानी कि हमारा जहाँ से फ्रीजिंग के लिए हम आइस बनाने के लिए जो हम टेम्परेचर यूज़ करने वाले हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है, वो हमारी जो ठंडक है उसको नीचे हमारे फ्रिज के अंदर फेंकता है। तो इस तरह से इसमें दो नेगेटिव और पॉजिटिव जो है कि इसमें सप्लाई दी जाती है 12 वोल्ट की, तो इसमें दो इसके जो पोलैरिटी है वो वर्क करते हैं, यानी कि पॉजिटिव जो है वो आपका काफ़ी हॉट हो जाता है और जो नेगेटिव है वो कोल्ड हो जाता है। इस तरह से आप दो तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप गर्मियों के टाइम में चाहें तो आप इसके हॉट वाले एरिया से आप पानी को भी गर्म कर सकते हैं और कोल्ड वाले एरिया से ठंडा भी कर सकते हैं, और जैसे आप चाहें आप उसको वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, इस तरह से ये इसका जो है प्रिंसिपल वर्क करता है। इसके अंदर और कुछ नहीं होता, ये थर्मो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, यानी कि थर्मो इलेक्ट्रिक है ये, इसीलिए इसे थर्मो इलेक्ट्रिक पेल्टियर भी कहा जाता है। तो गाइज, अब बात करते हैं कि कैसे पहचाना जाए कि हमारा कौन सा पार्ट जो है कोल्ड होगा, कौन सा पार्ट जो है हॉट होगा। तो गाइज, जहाँ पर हमारा TECI 12706 लिखा हुआ है ये हमारा जो है कि कोल्ड होगा, और जो हमारा प्लेन एरिया है वो होगा हमारा हॉट साइड, यानी कि जो प्लेन एरिया है वो काफ़ी गर्म होगा और जिसके ऊपर हमारा नंबर लिखे हुए हैं वो होगा हमारा कोल्ड साइड, यानी कि वहाँ से ठंडा होगा हमारा। तो होप गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस पेल्टियर को यूज़ करके आप भी काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं और काफ़ी जो है कि अच्छी अच्छी चीज़ें इससे बनाई जा सकती है। तो होप गाइस, आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।